Hello everybody, most welcome again to Class Apart, your very own favorite channel. तो बच्चों, by the way, I want to tell you all कि हम लोग जो है क्लास सेवन CBSE क्लास सेवन की इंग्लिश पढ़ रहे हैं और अभी हमने जो आप लोगों की मेन रीडर है विच इज़ आई मीन आप जो मेन टेक्स्ट बुक है विच इज़ हनीकॉम्ब उसके हमने सभी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं तो अब हम करने वाले हैं आपकी सप्लीमेंट्री रीडर एन एलियन हैंड का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ द टाइनी टीचर. ठीक है, सो लेट्स चेक आउट हु दिस टाइनी टीचर इज़ और किसके बारे में बात हो रही है, कौन है ये छोटे से टीचर जो हमको इतना कुछ सिखा देते हैं. सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गो अहेड. बट बिफोर गोइंग ऑफ कोर्स बच्चों, आई वांट टू टेल यू दैट यू ऑल कैन एस यानी कि आप लोग अपने स्कूल एग्जाम्स में जीत सकते हो विद अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन. तो डोंट फॉरगेट टू बाय द सब्सक्रिप्शन यूजिंग दिस कोड, यूजिंग माई कोड एक्चुअली SOS10. सो मोस्ट वेलकम टू योर इंग्लिश एजुकेटर सेशन. आई डोंट थिंक आई टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आप लोग सभी मुझे जानते ही हो. तो बच्चों, अनअकैडमी क्लास सिक्स से आप लोगों ने मुझे देखा होगा तो ये है उसका टेलीग्राम लिंक जो कि एक्चुअली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा. ना ही सिक्स, आपको एक्चुअली सेवन्थ और एट तीनों क्लासेस का टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिलेगा. तो अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर हर एक सेशन का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे तो गो अहेड एंड सब्सक्राइब और यू नो जॉइन दिस लिंक सो एज टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स. देन बच्चों, व्हाट इज़ बग्स बाउंटी, एक ऐसा इनिशिएटिव है ब्रॉट यू बाय अन अकेडमी जहाँ पर अगर आपको किसी भी एजुकेटर का कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. नाउ द मोस्ट यूजफुल फीचर फॉर यू ऑल विच इज़ आस्क अ डाउट. व्हाट इज़ आस्क अ डाउट, घर बैठे बैठे अनलिमिटेड डाउट्स पूछने का मौका मिलेगा आपको. ठीक है, और आपको जवाब में मिलेंगे हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशंस दैट आल्सो इन इंग्लिश और इन हिंदी और इंस्टेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे और बहुत ही एक्यूरेट होंगे. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो अहेड एंड यूज दिस फीचर. तो यूज़ कैसे करना है, गो टू द अनअकैडमी ऐप, क्लिक ऑन आस्क अ डाउट, टेक अ पिक्चर ऑफ योर डाउट, क्रॉप इट, मैच द सब्जेक्ट एंड सेंड इट अक्रॉस. विद इन नो टाइम यू विल गेट एन आंसर. चलो बच्चों, लेट्स गेट रेडी discover who this tiny teacher is. Okay, name the smallest insect you have seen and the wisest. Is it the fly? तो सबसे छोटा इंसेक्ट, सबसे छोटा और सबसे समझदार इंसेक्ट आपने कौन सा देखा है? Is it the fly? Fly होती है क्या? No, it isn't. Is it the mosquito? No, not the mosquito. Then it must be the worm. No, none of these. It is the ant, the commonest, the smallest, but the wisest insect. तो क्या आपको पता था कि जो ant होती है that is the wisest insect, it is the smallest, commonest और सबसे common होती है और सबसे wise भी होती है. The story of an ant's life sounds almost untrue. मतलब अगर आप इसकी life की story सुनोगे तो आपको वो almost untrue लगेगी. क्यों? Let's check out. मतलब untrue मतलब आपको झूठ लगेगी. But people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. So we know a number of facts about these tiny, hardworking and intelligent creatures. Basically, जो ants हैं ना, ये इतनी ज़्यादा amazing होती हैं, मतलब इनकी life इतनी amazing होती है, इनकी activities इतनी amazing होती है कि कई लोगों ने इनको pet रख के अपने घर में इनकी पूरी हरकतें watch की हैं just to make sure that what do they do. And this is the precise reason कि हमको इनके बारे में इतना कुछ पता है. Okay, now let's go ahead, देखते हैं क्या पता है. An ant uses its feelers, its feelers or antennae to talk to other ants by passing messages through them. तो इसके आगे कुछ antennas होते हैं जिनको ये ant use करती है to talk to other people. Watch a row of ants moving up and down the wall. Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. Wow, isn't that amazing? I mean, I'm able to visualize. मुझे याद है मैंने एक चींटियों का पूरा लाइन देखा था तो अब मुझे समझ आते हैं हर एक एंट जाते हुए ना सबको जो है मतलब जब लाइन में जा रही होती है तो वो सबको ग्रीट करती है, मिलती है कैसे, अपने फीलर्स से. वाओ, देखते हैं. ये देखिए जो एंट्स जा रही हैं तो मतलब मान लो ये सभी एक डायरेक्शन में जा रही हैं तो ये सभी एक दूसरे को मिलेंगे. ये देखो, ये इसके फीलर्स हैं आगे, ये जो दो आपको एंटीने जैसे दिख रहे हैं तो ये एक दूसरे को मिलते हैं जाते हुए अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. दे मीट एवरीबडी विद दीज फीलर्स. अमेजिंग. ओके, ये देखिए, चलिए मैं इसके बारे में और बताती हूँ.
there are many kinds of ants. The commonest among them are the black and or the red ones. ठीक है, तो black और red सबसे common होती हैं. We have seen them since we were children, but haven't paid enough attention, and that's a fact. I mean, I can very well relate to this. हमने इनको बचपन, मैंने इनको बचपन से देखा है, and of course आप सब ने देखा होगा, but कभी इतने ध्यान नहीं दिया हमने. Where do they live? In their comfortable home called nests or ant hills. ठीक है, तो इनका जो घर होता है आप इनको either nest कहते हो या ant hills कहते हो. Each has hundreds of little rooms and passages. Wow, हर एक ant hill में बहुत सारे rooms और passages होते हैं. In some of these rooms, the queen ant lay eggs. तो कुछ rooms में queen ant eggs lay करती है. Others are nurseries for the young ones called grubs. ठीक है, तो grubs क्या होते हैं? छोटे छोटे जो ant के छोटे छोटे मतलब larvae जो होते हैं, जिनसे भी ant पूरी बनना होती है बाकी, उनको grubs कहा जाता है. तो कुछ rooms में जो queen ant होती है वो eggs lay करती है, और कुछ ऐसे rooms होते हैं जहाँ पर grubs पड़े रहते हैं. Workers have reserved quarters. They spend most of their time searching for food. तो एक और कैटेगरी होती है ants की, एक तो हो गई आपकी क्वीन ant, एक हो गए आपके workers. तो workers जो होते हैं उनको क्या होता है, उनका अपना मतलब अलग से क्वार्टर्स होते हैं. वाह, अलग क्वार्टर्स मिलते हैं उनको, एंड दे स्पेंड टाइम सर्चिंग फॉर फूड. ठीक है, उनका मोस्ट टाइम खाना जो है सर्च करने में जाता है. सम रूम्स आर सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड. तो कई अलग रूम्स होते हैं जो स्टोर हाउसेज होते हैं फॉर देयर फूड. सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स. बैरक्स मतलब अलग से उनकी डिपार्टमेंट्स होते हैं सोल्जर्स के, कुछ सोल्जर एंट्स होते हैं. No worker has ever tried to live in a soldier's house, and no soldier has ever gone out searching for food. तो soldier का काम है protect करना, और worker का काम है खाना लाना. तो कभी भी एक दूसरा कोई किसी के काम में interfere नहीं करता, ना ही किसी के घर में जाता है. No worker is okay. No worker or soldier or cleaner has ever harmed a grub. तो बेसिकली हमें पता चल गया कि क्लीनर भी एक और वैरायटी होती है. तो क्लीनर वर्क कभी भी कोई भी ग्रब को कोई हार्म नहीं करेगा. सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल. ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. वाओ, अमेजिंग, व्हाट अ परफेक्ट सोसाइटी डू दे हैव. सो हर एक जो एंट होती है ना, वो अपना काम करती है और कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं. तो ये देखें, ये जैसे आप देख रहे हैं, ये काइंड ऑफ एन एंट हिल है जो ये एंट हिल बना रहे हैं. तो अगर आप देखें, ये पूरा लाइन में चलते हैं. वैसे तो इट्स नॉट एन एंट हिल, इट्स अ पेड़, इट्स अ ट्री. और ये एंट हिल है एक्चुअली, ये देखें, ये है इनके एंट हिल्स, और इसके अंदर का ये स्ट्रक्चर है पूरा. और ये देखें, ये हमेशा लाइन में चलते हैं, कभी लाइन तोड़ेंगे नहीं. चलो, द क्वीन इज ए मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन और ऑफ द कॉलोनी. It lives for about 15 years. It has a pair of wings. Wow! तो queen जो होती है ना, वो mother होती है पूरी population की. 15 सालों तक जीती है वो. I mean, can you imagine 15 years? It has a pair of wings. But bites them off after its wedding flight. ठीक है? The flight takes place on a hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. I mean, wow, imagine. So, ants kya karte hain basically? Jo queen ant hoti hai, that's the mother, puri population ki mother hoti hai. Aur uske wings bhi hote hain, theek hai? To kya hota hai ki, matlab flight kaha jata hai, uska wedding day, theek hai? Jis din uski shaadi, matlab वेडिंग डे, नॉट लाइक लिटरली शादी, बट वॉट इज़ अ वेडिंग डे फॉर क्वीन. तो क्वीन जो एंट होती है वो जाती है उड़ के, बिकॉज उसको उड़ने के लिए विंग्स चाहिए. उड़ के जाती है, मेल एंट से मिलती है, ठीक है, या उसको ड्रोन भी कहा जाता है, हाई अप इन द एयर. और उसके बाद मिलने के बाद में, आई मीन मीटिंग के बाद, ऑफकोर्स वो अपने वापस अर्थ पे आते हुए अपने विंग्स को काट देती है, क्योंकि उसके बाद उसको ज़रूरत ही नहीं होती उन विंग्स की. और फिर वो सिर्फ और सिर्फ एग्स ले करके, दैट्स ऑल. Eggs hatch and grubs come out. Soldiers guard them. Workers feed them and clean them and also carry them about daily for airing, exercise and sunshine. Wow!
2 or 3 weeks. Wow, imagine how good is that? तो देखो soldiers उस उनको guard करते हैं, workers उनके लिए खाना लाते हैं, उनको clean करते हैं और उनको रोज़ एक्सरसाइज मतलब एयरिंग हवा लगाने के लिए, एक्सरसाइज के लिए, सनशाइन के लिए, सब चीज़ के लेके जाते हैं. तो ये अगर आप देखें ये जो वर्कर्स हैं ये इन ग्रब्स को लेकर जा रहे हैं प्रॉपर मतलब अच्छी जो उनकी रेगुलर एक्सरसाइज, डजंट लिटरली मीन लाइक फिजिकल एक्सरसाइज एंड सो, बट या उनका कुछ जो प्रॉपर प्रोसीजर होता होगा वो फॉलो करते हैं. इज़न्ट इट अमेजिंग? वाओ. ओके लेटर द ग्रब, ओके यहाँ तक हमने पढ़ा था. 2 or 3 weeks लेटर, 2 या 3 weeks के बाद में, 2 या 3 हफ्ते के बाद, द ग्रब बिकम्स कुकून एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks और मोर. देन द कुकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंट्स अपीयर. तो पहले ग्रब्स होते हैं, ग्रब्स के बाद में वो कुकून बनते हैं, और कुकून जो होता है जब वो कुकून फॉर्म में होते हैं तो वो 2 या 3 हफ्ते के लिए बिना खाना और एक्टिविटी के वो रहते हैं. उसके बाद में एक परफेक्ट एंट बाहर निकलती है. नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग. तो अभी एंट बाहर निकल गई तो उसकी टीचिंग और ट्रेनिंग होनी चाहिए. न्यू एंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, ट्रेनर्स एटसेट्रा. आफ्टर फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क. तो जब ये छोटी छोटी एंट्स निकलती हैं कुकून से बाहर, उसके बाद में वो जो भी यू नो वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स, जो भी हर कोई होता है उनसे वो काम सीखते हैं. ठीक है, काम सीख के अपना चॉइस का एक कैटेगरी बन के वो भी या तो वर्कर बन जाएंगे या सोल्जर बन जाएंगे या बिल्डर्स जो भी बन जाएंगे. उसके बाद में वो रेडी होते हैं बाहर दुनिया में जाने के लिए. ठीक है, ओके. तो उनकी ट्रेनिंग होती है कुछ हफ्ते के लिए एंड देन दे आर रेडी टू गो इन टू द वर्ल्ड. एंड एंटिल इज अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रीचर्स, बीटल्स, लेसर ब्रीड्स of ants and the green fly. तो जो ant hill होता है वो सिर्फ ants के लिए नहीं होता है, वहाँ पर और भी लोग, I mean, wow, isn't it amazing? वो सिर्फ अपने लिए घर नहीं बनाते हैं, दूसरों के लिए भी. Okay, why do ants want these alien creatures to live in their nest? सोचने वाली बात है कि ants को ये alien creatures अपने nest में क्यों चाहिए. Okay, for several reasons. अब बहुत सारे reasons हैं कि उनको ये चाहिए. Some give off smell. ओके, सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट फॉर द एंट्स सेंसेस. तो कई जो होते हैं इनमें से क्रीचर्स, उनमें से ऐसी स्मेल आती है जो एंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है. अदर्स गिव स्वीट जूसेस एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स, डॉग्स टू ह्यूमन बीइंग्स. वाओ, अमेजिंग, कितनी परफेक्ट लाइफ होती है एंट्स की. तो वाओ, आई रियली विश आई बिकम एन एंट नेक्स्ट बर्थ. ओके, तो अब इनको एलियंस क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि कुछ जो होते हैं उनके स्मेल से इनको बेनिफिट होता है, कई जो होते हैं कईयों के स्वीट जूसेस होते हैं जो इनके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, और कईयों के साथ सिर्फ ये खेलते हैं, बस पेट्स होते हैं इनकी. ओके, द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काउ. द एंट्स ट्रेन टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क एंड टच ऑफ विद अ टच ऑफ देयर एंटेना. देयर मिल्क इज जस्ट एज वी दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क दे. इमेजिन, सो जो ग्रीन फ्लाई होती है ना वो एंट को हनी ड्यू देती है, और हनी ड्यू क्या होता है, वो उनके लिए मिल्क का काम करता है. जैसे ह्यूमंस काओ से मिल्क लेते हैं, वैसे वो ग्रीन फ्लाई, एंट्स जो है वो ग्रीन फ्लाई से मिल्क लेती हैं बाय टचिंग देयर एंटेना. ओके, हैव ह्यूमंस लर्नड एज मच एज एंट्स हैव? डेफिनेटली नॉट. परहैप्स दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज. एब्सोल्युटली. Are humans, do humans have such a perfect society? No, everybody is busy fighting with each other. But ants ki kitni perfect society hoti hai. They may still learn a few things from this tiny teacher. Of course, bahut kuch hai seekhne ke liye. Hard work, sense of duty, discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all, a firm loyalty to the land they live. Bilkul sahi, hum humans ko bhi बहुत कुछ है एंट्स से सीखने के लिए, बहुत कुछ. चलो बच्चों, इट वॉज एन अमेजिंग स्टोरी, आई लव इट, आई होप यू ऑल्सो डिड. चलो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो. बट बिफोर लीविंग मैं अन अकेडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन के फीचर्स बता देती हूँ. घर बैठे बैठे पढ़ने का मौका, सभी कोर्सेज का एक्सेस, टॉप एजुकेटर्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, पूरे सिलेबस का कवरेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, स्टडी मटेरियल PDF, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज. और इस सब का प्राइस क्या है? 2 साल 25,000, 18 months 20,000, 15 months 18,000. और इस प्राइस मिलेगा 10% डिस्काउंट यूजिंग माई कोड SOS10.
देन बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, पर्सनल मेंटोर, लाइव डांस सिलेक्शन सेशन, वीकली रिपोर्ट कार्ड, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर एंड ऑल दी बेनिफिट्स ऑफ क्लास सब्सक्रिप्शन। और ये सब कितने में? 2 साल 45,000, 18 मंथ्स 35,000, 15 मंथ्स 32,000। और इस प्राइस पर मिलेगा 10% डिस्काउंट यूजिंग माई कोड SOS10। एंड ऑफकोर्स आप पर मंथ बेसिस पर भी पे कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड SPSO10 टू बाय टू अनलॉक फ्री स्पेशल क्लासेस एंड फ्री टेस्ट सीरीज। थैंक यू सो मच बच्चों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय एवरीबडी, लव यू ऑल।